मुंबई माफिया अपने रहस्य और अपने राज छुपाए रखने के लिए कुछ कोड वर्ड्स बनाता है या संकेत शब्द या कूट शब्दों का इस्तेमाल करता है। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई आज कौवा बोल नहीं रहा है, शांत है, लेकिन तू उधर पहुंच चिड़िया चहचहाएगी या चिड़िया बोलेगी, तो इसका मतलब ये है कि कौवे का मतलब होता है मोबाइल और चिड़िया का मतलब होता है पेजर। तो कौवा शांत है, इसका मतलब यह है कि कौवा जो है उसका मोबाइल बंद है, लेकिन पेजर के ऊपर मैसेज का लेना देना किया जा सकता है। उसी तरीके से जब ये बोलते हैं कि भाई आज 25 लड्डू जो है वो फलाने के घर पहुंचा दिए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो 25 दस्ती बम यानी हैंड ग्रेनेड्स वो किसी को डिलीवर हो गए हैं। जब कोई बोलता है कि तू एक काम कर, चले जा बांद्रा और जो जगह तुझे बताई है वहां पे तू गिटार बजा करके और चार चप्पल लेकर के निकल आना, तो इसका मतलब ये होता है कि तू वहां पर जा, और गिटार का अर्थ होता है AK-56 या AK-47 राइफल, वहां जाकर के गोली मार देना, गिटार बजाना यानी गोली मार देना AK-56 से, और जब वहां से वापस लौटे तो कार से आ जाना, यानी चार चप्पल का मतलब है चार पहिए का मतलब है एक कार, उस पर वापस लौट आना। अगर कोई बोलता है कि भाई एक काम करना, जरा मुझको चार कान भेज देना, तो इसका अर्थ यह होता है कि उसे 4 करोड़ रुपए भेजने हैं। पेटी शब्द जो है 1 लाख के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसी तरीके से इन लोगों ने अपने कोड वर्ड्स बनाए हैं जिनका इस्तेमाल समय समय पर किया जाता है। हर गिरोह अपने लिए नए कोड वर्ड बनाता है, हर गिरोह अपने लिए ये कोड वर्ड अपग्रेड करता रहता है, या उनके सब गैंग्स जो होते हैं वो भी अपने लिए नए कोड वर्ड बनाते हैं और समय समय पर वो कोड वर्ड बदलते भी रहते हैं। ये कैसे कोड वर्ड होते हैं, कितनी बड़ी मात्रा में होते हैं, कैसे ही पुलिस वालों तक पहुंचते हैं, पुलिस कैसे इन्हें डिकोड करती है, ये भी अपने आप में बहुत ही मुश्किल, दुष्कर और बहुत ही टीडियस काम होता है। अंडरवर्ल्ड अपने ऑपरेशंस को, अपने कामकाज को बचाए रखने, छुपाए रखने के लिए इस तरह के कोडवर्ड्स हमेशा बनाती रहती है और आज भी बनते हैं, आज भी वो कोडवर्ड्स बन रहे हैं।